पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय अभियान के प्रांतीय आह्वान पर पुराने पेंशन विहीन अधिकारी कर्मचारी संघ ब्लॉक बड़नगर द्वारा पुरानी पेंशन योजना बहाल किए जाने को लेकर एक ज्ञापन प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के नाम तहसीलदार सुरेश नागर की अनुपस्थिति में राजस्व निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह पवार को दिया गया। वही ज्ञापन में बताया गया कि भारत सरकार ने 2004 में अध्यादेश लाकर पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया है, जिसके कारण भारत सरकार के 60 लाख केंद्रीय राज्य कर्मचारी अधिकारी पुरानी पेंशन स्कीम पाने के अधिकार से वंचित हो गए, जिसके चलते समस्त केंद्रीय राज्य कर्मचारी अधिकारी में भारी आक्रोश व्याप्त है। वही मध्य प्रदेश में वर्ष 2005 में पुरानी पेंशन स्कीम को बंद कर दिया, जिससे 65 लाख कर्मचारी अधिकारी पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ लेने से वंचित है। वही मध्य प्रदेश शासन में न्यू पेंशन स्कीम वर्ष 2005 से लागू की है, जिसमें अनेकों विसंगतियां हैं, जिसका लाभ मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्ति दिनांक से नहीं मिला है, जिससे भी शासकीय कर्मचारी अधिकारी वर्ग में खासा असंतोष व निराशा है। वही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर्मचारी अधिकारियों के संबंध में टिप्पणी की कि इनकी पुरानी पेंशन स्कीम भारत सरकार एवं राज्य सरकार को बहाल किया जाना चाहिए, जो इनका संवैधानिक अधिकार है। यह पेंशन योजना सरकार की जिम्मेदारी है और कर्मचारी अधिकारी का बुढ़ापे का सहारा। ये सन 2004 में जो राष्ट्रीय कर्मचारियों का साथ में राज्य के कर्मचारियों का जो पेंशन पुरानी पेंशन बंद की थी, उसी के संबंध में आज पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय अभियान के प्रांतीय आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश में आज ब्लॉक स्तर पर माननीय तहसीलदार महोदय को ये समस्त विभागों के पेंशन विहीन कर्मचारी अधिकारियों ने आज एक ज्ञापन यहाँ पर दिया है, और हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय से और माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहते हैं कि वे अतिशीघ्र हमारे इस बुढ़ापे की लाठी को, हमारे बुढ़ापे के सहारे को, पुरानी पेंशन को अतिशीघ्र प्रारंभ करें और हमारा मान बढ़ाए, सम्मान बढ़ाए। चूँकि इस महंगाई के दौर में जब हम अपनी 40 साल की सेवाएं पूरी करके जब पेंशन के उसमें आते हैं, जब हमारी सेवानिवृत्ति होती है, तो पता लगता है कि हमें पेंशन के नाम पे कुछ भी नहीं दिया जाता है, और जो बच्चे, जो बेटा बेटियां हमें संभालते हैं, वे भी बाद में हमको घर से बाहर कर देंगे, क्योंकि जहाँ पेंशन होती है, जहाँ पैसा होता है, वहीं बूढ़े लोगों की कदर होती है, उनकी देखरेख होती है। बिना पेंशन के कुछ भी संभव नहीं, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी अतिशीघ्र इस पर गौर करें। और न्यूज़ इंडिया N9 बड़नगर उज्जैन ब्यूरो चीफ महेश सोनगरा की रिपोर्ट।